नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिली काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने सिग्नेचर पे बात की थी और जिसके आधार पे मैंने किसी व्यक्ति के पूरी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन किया था। तो आज मैं किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को और किन किन चीजों के आधार पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और कैसे उसमें सुधार ला सकते हैं, इसके ऊपर एक और इंटरेस्टिंग चीज शेयर कर रही हूँ। मेरे पास एक टूथपेस्ट है, आप देखें। अभी मैं इनका प्रचार नहीं कर रही हूँ, बाबा जी का टूथपेस्ट है, हम लोग टूथपेस्ट बदल बदल कर यूज करते हैं। मैं सिर्फ इस टूथपेस्ट के आधार पे आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जिसने भी लास्ट टाइम इस टूथपेस्ट को यूज किया था उसकी पर्सनालिटी कैसी है। किसने यूज किया था मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं आपको सिर्फ बताती हूँ कि ये क्या हो सकता है। अब देखेंगे, टूथपेस्ट को यहाँ से दबा हुआ है, आप देखिए, मैं पीछे से दिखाती हूँ, अदरवाइज लगेगा कि प्रचार चल रहा है। आप देखो, बीच से दबा हुआ है यहाँ पे, है ना, और यहाँ से भरा हुआ है। अब इस टूथपेस्ट के आधार पे मैं इसको यूज करने वाले को, जिसने लास्ट टाइम इसे यूज किया होगा, उसकी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करती हूँ। ये टूथपेस्ट चूंकि बीच से दबा हुआ है, तो जो लोग थोड़ी लाइफ में लापरवाह होते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज को लेकर के बेहतर काम नहीं करते, वो जनरली ऐसे टूथपेस्ट को बीच से दबा करके अपना पेस्ट निकालेंगे और चलते बनेंगे। मतलब कि अगर आप टूथपेस्ट को सही तरीके से यूज करने का मतलब क्या है कि आप यहाँ से दबाओ, जब आप यहाँ से दबाओगे तो ये टूथपेस्ट आराम से बाहर निकलेगा और यहाँ से ये मुड़ता चला जाएगा। मतलब ये हुआ कि किसी भी अपॉर्चुनिटी को, अपनी लाइफ को मैक्सिमम वे में अच्छे से यूटिलाइज करना, मतलब कि ऐसी पर्सनालिटी अपनी लाइफ की अपॉर्चुनिटी को, अपने लाइफ की खुशियों को, पैसे को, किसी भी चीज़ को बहुत मैक्सिमम लेवल पर जा करके यूज नहीं करते। मतलब कि चलो ठीक है, जितना है उतना है, जो मिल गया सो मिल गया, जो साइड हो रहा है साइड होने दो, मतलब वो एफर्ट नहीं डालते, एफर्टलेस पर्सन होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि वो लापरवाही शो कर रहे हैं, उठाया निकाल लिया अपना जैसे भी और फिर रख दो। तो ये बताता है एक छोटा सा टूथपेस्ट कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। अब आप बोलेंगे कि मैं इसे क्यों बता रही हूँ, इसका क्या फ़ायदा है। आप अपने घर में देखिए कि आपके बच्चे, अगर आपके पार्टनर ऐसा करते हैं तो आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, क्योंकि फिर लड़ाइयाँ बढ़ जाएंगी। बच्चों के लिए स्पेशली मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा ऐसा कुछ करता है, वो टूथपेस्ट को इस तरह से निकालता है, तो थोड़ा ध्यान दें, कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को छोड़ देगा या उसका ध्यान ही नहीं जाएगा, वो लापरवाह जिंदगी जिएगा और इससे उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर बच्चा ऐसा करता है तो आप उसको टोक करके उसे रोकें और समझाएं कि बच्चे आपको पीछे से इसको निकालना है। अब ये बात सिर्फ टूथपेस्ट को निकाल लेने से उसकी पर्सनालिटी नहीं बदल जाने वाली है, कहने का मतलब कि उसकी पर्सनालिटी के पूरे आयाम में, पूरे एस्पेक्ट में, डे बाय डे उसकी लाइफ में आप देखेंगे कि वो ऐसी चीज़ें कर रहा है जहाँ वो अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहा, वो लापरवाही दिखा रहा, तो उसको बहुत ज़्यादा अवेयर होकर के गाइड करने की ज़रूरत है, ताकि वो सही रास्ते को समझ सके। क्योंकि बच्चों में बहुत से बदलाव लाए जा सकते हैं, उनकी पर्सनालिटी अभी बन रही होती है, अगर पेरेंट्स अवेयरनेस रखें तो उनको बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे साइन ऐसे हैं जो आपको बताते हैं कि आपका बच्चा किस तरफ जा रहा है। तो मैंने पहले ही कहा, एक डिस्क्लेमर है कि पार्टनर के साथ छेड़छाड़ ना करें अगर उनका ये काम है, तो अगर बच्चों का काम है तो आप उसको लेकर के जरूर अवेयर हो जाएं और उसको इसके मामले में गाइड करें, उसके पूरी पढ़ाई लिखाई को, उसकी थिंकिंग को समझें, एंड देन उसके ऊपर थोड़ा समय दें। जनरली हम देखते हैं, अब आपने, मैंने कह दिया और हो सकता है कि आपके बच्चे ने ऐसा किया और आपने उसे चार डांट लगाई कि तुम ऐसा करते हो, तुम लापरवाह इंसान हो, तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता है, और आपने कहा और आपकी ड्यूटी ख़त्म। आप ऐसा सोचकर जब करोगे तो आप उसका और भी नुकसान करोगे। अगर आप टाइम दे सकते हो, उसे एक्सप्लेन कर सकते हो, उसकी लाइफ की, उसकी कमियों को, उसकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हो, उसको अच्छे से और टाइम दे करके उसको एनालाइज कर सकते हो, उसका साथ दे सकते हो, तभी इस मुद्दे को टच करना, अदरवाइज इसे इग्नोर कर दें। क्योंकि आपका इंटरफेरेंस अगर लापरवाही भरा है तो मामले को ठीक करने के बजाय और भी खराब कर देगा। आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपके लाइफ को थोड़ा सा इम्प्रूव करे, आपके बच्चे की लाइफ को थोड़ा इम्प्रूव करे। ऐसे ही किसी वीडियो के साथ आती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।